नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। FSSAI का रिटर्न एग्ज़ाम जो कि आपका ये अक्टूबर में होने वाला था, उसको लेकर के थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है FSSAI की तरफ से, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो पहले जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो आपने देखा होगा, पहले जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो 5 थे, उसके बाद में इसको चेंज करके कोविड की वजह से आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो आपके आसपास है, जिससे आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप अपने हिसाब से सेंटर को दोबारा से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको हम देखते हैं, उसके बाद में उसी के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ जा कर के क्लिक करके अपना सेंटर को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये 3 तारीख को दिया गया था, 3 तारीख को वेबसाइट पे आया था। इसमें आप देख पा रहे हैं दो दिए गए हैं, एक तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एक ये लिंक दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CBT क्वालिफाई किया है वो अपने अकॉर्डिंग सेंटर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम पहले देखते हैं क्या है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जैसे कि ये FSSAI की तरफ से निकाला गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसका सब्जेक्ट है क्या है कि एग्जामिनेशन डेट्स एंड ओपनिंग ऑफ लिंक फॉर प्रोवाइडिंग सेंटर प्रेफरेंसेस अफ्रेश बाय CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। जो CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जो कोविड सिचुएशन की वजह से, अभी सिचुएशन ज़्यादा ठीक नहीं है आप देख पा रहे हैं, इस वजह से जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए वो 20 सिटी अब रखे गए हैं। आप 20 सिटी में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, 20 सिटी में से आपको जो सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप चेक कहाँ से करेंगे, जो पीछे मैंने आपको दिखाया था उसके नीचे जो लिंक था वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। आप इसके पहले देखेंगे कि जो 5 सिटी थे, अब 5 सिटी की जगह पर क्या कर दिया गया है, 20 सिटी कर दिए गए, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखेंगे आप कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक डेट दी गई है कि आपको जो भी चीज़ें करनी है ना, बेस्ट चॉइस फॉर द सेंटर अफेयर्स रिटर्न एग्ज़ाम द पोर्टल सीकिंग ऑप्शन विल बी मेड लाइव फ्रॉम 4/9, यानी कि कल की डेट से ये लाइव हो चुका है, 4 तारीख से लाइव होना था। अब आप वहाँ पर जाके अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, और 13 तारीख से पहले, ध्यान रखिए 13 सितंबर से पहले आपको 12 बजे से पहले, 11:59 के पहले आपको ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जिसने भी इसको एग्ज़ाम को दिया हो, अगर आपकी जान पहचान में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके पहले आपको ये प्रोसीजर कम्प्लीट करना है हर हाल में, ठीक है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन नहीं सही है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये किया है। और एग्ज़ाम को लेकर के जो टेंटेटिव डेट है वो देख पा रहे हैं आप कि 10/10 एंड 11/10 रखी गई है। इन डेट को जो रिटर्न एग्ज़ाम होने हैं, और इसको लेकर के ये टेंटेटिव डेट है, आगे कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो पहले आपको करना है, आपको जो सेंटर चेंज करना है वो आप कर लीजिए, वरना इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। जो आपका पहले से अलॉट है आप वहीं पर एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले डेट, ये जो डेट दी गई है 13/9, इससे पहले आपको हर हाल में ये कर लेना है, ठीक है।